हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। आज दोस्तों मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं घटनाचक्र 2023 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसकी शॉर्ट पीडीएफ के बारे में, शॉर्ट नोट्स के बारे में चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे यूट्यूब पर आप देखेंगे तो घटनाचक्र पूर्वालोकन जो सीरीज आती है 8 वॉल्यूम में, जिसमें मेन मेन सब्जेक्ट आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये जो मेन सेगमेंट होते हैं इसका पूरे YouTube पर आपको शॉर्ट नोट्स कोई भी प्रोवाइड नहीं कराता है। इससे क्या होता है कि आप तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन इस किताब को 2 से 3 बार रिवीजन करने में सबसे बड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, पैनिक सिचुएशन हो जाती है। एग्जाम टाइम में हमें चीजें रिवाइज नहीं होती है, रिकॉल नहीं हो पाती है, तो हमें लगता है यार कि घटनाचक्र पे हम जो समय दे रहे हैं वो वेस्ट हो रहा है। तो इन्हीं सब समस्याओं के लिए हमारी टीम के द्वारा, जिसमें मैंने और निशु मैम ने और हमारे जो टीम मेंबर हैं, इन्होंने मिलकर एक नया इनिशिएट किया और अथक प्रयास किया, जिसमें यह सोचा गया कि क्यों ना अगर हम इनके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें, ऐसे शॉर्ट नोट्स जिसमें घटना चक्र के सारे चैप्टर्स इंक्लूड रहे, सारे व्याख्या, सारे प्रश्न, सारे ऑप्शंस, सारी चीजें बहुत ही स्मार्टली तरीके से इंटरकनेक्टेड फॉर्म में अगर तैयार कर दिया जाए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 से 250 पेज में पूरी की पूरी घटना चक्र कवर हो जाएगी। अगर आप पूरी घटना चक्र देखोगे, जैसे इंडियन ज्योग्राफी लगभग 398 पेज के आसपास है, इंडियन पॉलिटी 440 पेज, मॉडर्न हिस्ट्री 400 पेज में है, एनवायरनमेंट 272 पेज में, तो ऐसे करके आप देखोगे कि लगभग टोटल 2000 से प्लस पेज हो जाते हैं। और 2000 प्लस पेजों को पूरी घटना चक्र रिवाइज कर पाने में बहुत ही बड़ी चुनौती आती है। खुद हम लोगों के पास भी ये चुनौतियां आती हैं, ऐसा नहीं कि केवल आप ही इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि इसको हर एक सब्जेक्ट वाइज लगभग 40 से 50 पेज में कंपाइल कर दिया। जैसे इंडियन ज्योग्राफी को 60 पेजेस में कर दिया, 60-65 पेजेस में, पॉलिटी भी 60-65 पेजेस में हमने कंपाइल किया, वहीं मॉडर्न हिस्ट्री भी हमने 30-35 पेजेस में किया, एनवायरनमेंट भी किया। तो इस तरीके की हमने शॉर्ट नोट्स तैयार कर दी है पूरी घटनाचक्र सीरीज की, जो आपके UPPCS, UPRO, जो 17 दिसंबर को उत्तराखंड आरओ का एग्जाम है, या फिर उत्तराखंड PCS होगा, जो MPPCS, BPCS, इनके लिए रामबाण औषधि साबित होगी दोस्तों। और साथ ही साथ इसकी मैं क्लासेस भी रेगुलर लेकर आ रहा हूं। आज सुबह ही मैंने इंडियन पॉलिटी का सेकंड लेक्चर दिया, इसी शॉर्ट नोट्स का जो हमने बनाए हैं, इसी शॉर्ट नोट्स का सेकंड लेक्चर भी दिया। साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी पे भी मैंने 3 लेक्चर प्रोवाइड किए। कल मैं आउट ऑफ स्टेशन था और आज भी मैं नहीं बना पाया, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद मैं बना पाऊं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेंगे आपकी तैयारी में। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये PDF की डिमांड की और PDF को परचेस भी किया, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी की सबको मिली, बायोलॉजी की सबने खरीदी, और पॉलिटी की हो गई, या फिर एनवायरनमेंट की। और दोस्तों इतनी प्रशंसा की उसकी ना, इतना उसको सराहा, इतना इनिशिएट हमारे जो है कि टीम के द्वारा जो लिया गया उसको इतना समर्थन मिल रहा है आपका, इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि हमारी टीम ने और भी उत्साहित होकर, जो कि हमारा टारगेट था कि हम हिस्ट्री को, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों की शॉर्ट नोट्स वेडनेसडे तक तैयार कर लें। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि निशु मैम का जो जज्बा था, जो उत्साह था, इन्होंने दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए 2 से 3 दिन में, हालांकि काम तो इस पे 3-4 दिन से चल रहा था, लेकिन हमें एक्सपेक्टेड टाइम जो लग रहा था कि शायद ये बुधवार या बृहस्पतिवार तक खत्म होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब लगातार लोगों के एग्जाम नजदीक हैं, वो इतनी डिमांड कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरा जो है कि कंटेंट तैयार कर लिया पिछले 4 से 5 दिन में, पूरी मेहनत की, सुबह शाम ना खाना खाया ना पिया। मतलब आप यकीन करिए कि आप लोगों का प्यार और इतना सपोर्ट था कि उन्होंने पूरी की पूरी घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स आज ही तैयार करके मुझे दे दिया। तो अब ये मैं उनकी लगन कहूं या आप लोगों का सपोर्ट कहूं या जो भी डेडिकेशन, तो इतनी ईमानदारी से और सभी चैप्टर्स को इंक्लूड करते हुए बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ, जितनी बेहतर उनकी समझ है हिस्ट्री पे, उन सभी चीजों को उन्होंने शामिल करते हुए आप लोगों के लिए घटना चक्र हिस्ट्री के भी शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए, मुझे अपडेट भी कर दिया, जिसके लिए मैंने टेलीग्राम पर पहले ही अपडेट कर दिया था निशु मैम ने शॉर्ट्स के माध्यम से, और इस समय मैं आपको अपडेट कर भी रहा हूं। और अब रही बात PDF को परचेस करने की, तो दोस्तों इस समय हमारे प्लेटफॉर्म पे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, एनवायरनमेंट, बायोलॉजी, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इतने सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं, PDF अवेलेबल हो चुकी है। और मैं कोशिश करता हूं कि इस सैटरडे से पहले पहले फिजिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी और केमिस्ट्री, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स, इनके भी शॉर्ट नोट्स हम लोग लगातार तैयार कर रहे हैं। हमारी टीम मेहनत कर रही है, सारी चीजों को बना रही है, ताकि आपके RO के जो एग्जाम 11 फरवरी को है, PCS के जो मार्च में, उससे पहले आपकी 2 से 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए।
और मैं भरोसा दिलाता हूं दोस्तों कि उसमें 99% चीजों को समाहित किया गया है। ह्यूमन एरर तो देखिए एक दो पॉइंट हो सकता है, मैंने खुद जो है कि ह्यूमन एरर देखा इंडियन पॉलिटी के नोट्स में जो मैंने बनाए थे, पहले ही पेज पे ह्यूमन एरर था, लेकिन मैंने उसको कल की क्लास में, इट मीन्स जो आज क्लास आई थी, उसमें अपडेट भी कर दिया कि उसमें क्या मिस्टेक है। तो वो चीजें मैं बताता रहूंगा बीच बीच में, लेकिन कोशिश यही है कि 99% चीजें सही लिखी गई हैं, ऑथेंटिक हैं और अपडेटेड फॉर्म में दोस्तों, चाहे फिर वो डाटा हो या वो किसी प्रकार की रिपोर्ट्स हो या किसी प्रकार की रैंकिंग हो, सारी चीजें हमने अपडेटेड करके उसको तैयार किया है। अब यहां पर परचेस करने की बात आती है, तो घटना चक्र की जो शॉर्ट नोट्स है दोस्तों, उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या जहां पे वीडियो के नीचे मोर लिख के आता है ना, वहीं पर आप क्लिक करेंगे तो वहां आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां पर आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, पीडीएफ के पेमेंट प्रोसेस को जान सकते हैं, सारी चीजें आपको वहां मिल सकती हैं। अब कुछ दोस्तों के दिमाग में आएगा कि सर हम एक डेमो पीडीएफ मिल जाती, एक आइडिया लग जाता कि कैसे आपने तैयार किया है हैंड रिटन तरीके से, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आज फिर से पोस्ट कर दूंगा डेमो पीडीएफ को, हालांकि 3 दिन पहले भी पोस्ट किया था, पिन कमेंट में आज भी लगा रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते हो डेमो पीडीएफ जो 3-4 सब्जेक्ट के हैं, और उससे आप आइडिया ले पाओगे कि हाँ कैसे जो है कि नोट्स हैं और कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूं कि उसमें एक भी चैप्टर को स्किप नहीं किया गया और ना ही किसी टॉपिक को स्किप किया गया और ना ही किसी क्वेश्चन को। फिर भी मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूं या एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये तो आपने पॉइंटर को ही छाप दिया है, तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहनों, एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप जानते हो कि पॉइंटर से छापा गया है तो एक बार आप उस डेमो पीडीएफ को ही ले लीजिए। डेमो पीडीएफ तो आपको परचेस नहीं करनी, वो तो टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो एक बार आप उस डेमो पीडीएफ को देखकर और अपनी घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज को ले लीजिए और एक तरफ पॉइंटर को ले लीजिए, और फिर मुझे बताइएगा कि कहां मैंने पॉइंटर को यूज किया या कहां मैंने घटना चक्र। मैं अपने पूरी कह सकता हूं कि गारंटी ले रहा हूं कि सारे के सारे पॉइंट्स आपको घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज में, अगर दोस्तों पॉइंटर में ही सारी चीजें मिल जाती तो फिर पूर्वालोकन की सीरीज घटना चक्र पब्लिकेशन क्यों निकालती, ये भी तो एक प्रश्न है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं, तो मैं उनसे किसी प्रकार की ईर्ष्या या किसी प्रकार की वो बात नहीं है, आपकी इच्छा है तो आप खरीद सकते हैं, नहीं इच्छा है तो मत खरीदिए, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन हमारी टीम ने जितनी ईमानदारी बरती है और जितनी मेहनत की कड़ी लगन के साथ, वो चीजें आपको दी जा रही हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ने मैक्सिमम जो है कि पीडीएफ के लिए डिमांड की कि सर हिस्ट्री को ला दीजिए, हिस्ट्री ला दीजिए, तो निशु मैम ने पूरी जो है कि जी जान लगा के उसको तैयार कर दिया। आपको ही पता है कि 800 पेजेस में दोस्तों, 372 पेज नंबर से शुरू करेंगे और पूरे 800 पेज पे जाके आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो रही है। उससे पहले आप देखोगे 250 पेज में एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल है, आर्ट एंड कल्चर है, पेजेस हम लोग बेटा लिख रहे हैं दोस्तों, लिख रहे हैं तो हमें पता है कि कौन से पेजेस पे क्या क्या चीजें दी हुई हैं, ऐसे ही हम बता देंगे मुंह जवानी। तो जब उसको कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तब जाके तैयार किया जा रहा है, और इसमें बहुत ही हार्ड वर्क किया जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल कतई जो है कि कह रहे हैं ना कि एकदम सोने का भी टाइम नहीं है, इसलिए क्योंकि आप लोगों के इतना प्यार है, इतना सपोर्ट है और आपकी इतनी डिमांड है कि सर पीडीएफ जल्दी से जल्दी दे दीजिए ताकि हम तैयारी कर सकें। तो सारी चीजें आ चुकी हैं, व्हाट्सएप पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, प्रॉपर तरीके से आप उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास हमारी व्हाट्सएप जो मेंबर है जो चलाते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, उनका फोन आ रहा है कि सर कई बार ऐसा होता है एस्पिरेंट पूरे इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ पाते हैं और फिर जल्दीबाजी में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, कुछ चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं, तो फिर ऐसे में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग पढ़े लिखे हैं, एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरे इंस्ट्रक्शन को एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो भी स्टेप्स दिए हों उसमें पीडीएफ लेने के लिए, उसे आप आराम आराम से फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अब वो स्टाफ मेंबर है, ऐसा तो नहीं है कि दिन भर आप घर पर ही रहेंगे, उनको भी अपनी तैयारी करनी होती है, वो भी कहीं बाहर जाते हैं, मार्केट में होते हैं, नेट का एक्सेस नहीं हो पाता है, तो कुछ लोग क्या होते हैं कि पेमेंट करने के स्क्रीनशॉट भेजने के बाद 5 मिनट भी नहीं रुकते हैं और कहते हैं कि फोन करने लगते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल। तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, 10 से 15 मिनट का वेट कर लीजिए और आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी। हालांकि 90% केसेस में है कि उन्होंने पीडीएफ विद इन 1 मिनट में शिफ्ट कर दी, ट्रांसफर कर दी विद इन 1 मिनट में। 10% में ऐसा हो सकता है कि अगला बंदा कहीं बाहर है, मोबाइल रूम पे छूट गया या कोई काम कर रहा होगा, बिजी था, आपका नहीं देख पाया, तो 10-15 मिनट का वेट कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी चीजें थी जानकारी। तो फाइनली लास्ट में आपको बता दूं कि डेमो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, साथ ही साथ हमारी जो पीडीएफ परचेस करने का जो पैटर्न है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है उसे ले लीजिए,
और वहां से आप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और एक छोटा सा आपको बोनस पॉइंट दूंगा कि अगर आप इस पीडीएफ के साथ मेरी क्लासेस को भी देखते हैं जो शॉर्ट नोट्स क्लासेस शुरू की गई हैं, अभी तो एक दिन में दो क्लासेस आ रही हैं, पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी, जो अगले एक हफ्ते में दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगी। हो सकता है बीच में ही मैं, जैसे ही हमारे जो शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाएं, ज्योग्राफी, फिजिक्स, इकोनॉमी, केमिस्ट्री, तो एक दिन में मैं तीन तीन क्लासेस शुरू कर दूंगा, ताकि आपका इस दिसंबर के लास्ट होते होते पूरी क्लास कंप्लीट हो जाए और आप पूरी जनवरी रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स को तीन से चार बार दोहराओ, टेस्ट सीरीज हम शुरू करेंगे, वो सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। और करंट अफेयर्स की जो सीरीज आने वाली है दोस्तों, मैंने अभी कल ही पता किया था, तो अभी घटनाचक्र पूर्वालोकन, मतलब घटनाचक्र की जो वार्षिकी आती है या घटनासार की, अभी नहीं आई है, तो जैसे ही आ जाएगी तो उसके भी हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल सिंप्लीफाई पैटर्न में, पूरा कचरा मटेरियल निकाल के पेपर ओरिएंटेड जो मटेरियल होगा ना उसको तैयार किया जाएगा। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि मैंने प्रॉपर जो है कि करंट अफेयर्स की क्लासेस भी कराई है, 750 MCQs प्लस सीरीज जो है कि मैंने कराई थी UPPSS 2023 के लिए, जिसमें से 10-12 क्वेश्चन सीधे फंसे थे। तो आरओ के लिए भी इस बार हम 500 प्लस MCQ सीरीज जो है कि लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश रहेगी, मतलब 99% की मैं उस सीरीज को लेकर आऊंगा जो आपकी करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम दूर करेगा। दूसरी चीज, जो मिनरल्स रिपोर्ट होती है, एग्रीकल्चर रिपोर्ट होती है, वन रिपोर्ट होती है, टाइगर रिपोर्ट होती है, रैंकिंग होती है, इनकी भी मैं एक अलग से नोट्स तैयार कर रहा हूँ, खुद अभी से ही मैं तैयार कर रहा हूँ, जो हो सकता है 4 से 5 दिन में तैयार भी हो जाए, और उसके बाद जो है कि उसकी भी क्लासेस मैं रेगुलर लेकर आऊंगा। उन सभी चीजों की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर पीडीएफ से संबंधित कोई डाउट हो या किसी भी प्रकार की क्वेरी करनी हो या किसी पॉइंट को लेकर समझ में ना आ रहा हो इंटरलिंकिंग पैटर्न को, तो आप एक डिस्कशन ग्रुप भी हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी मैं आपसे रेगुलर जो है कि बात कर लेता हूं, आपकी कोई भी क्वेरी होती मैं वहां पर रिप्लाई करता हूं। और किसी भी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में आप अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं वहां पर तुरंत उसका रिप्लाई कर देता हूं, या जैसे ही समय मिलता है मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसने कहा हो कि सर ने उसका रिप्लाई ना किया हो, तो मैं सभी का रिप्लाई करता हूं दोस्तों। हालांकि मैं आप सभी का छोटा भाई, बड़ा भाई, किसी भी तरीके का आप मान सकते हैं, कुछ लोग मुझसे बड़े भी हैं, सम्मानित हैं, और कुछ मुझसे छोटे हैं जो अभी तैयारी करना शुरू किए, लेकिन मैं सभी का सम्मान करता हूं, सभी के जवाब देता हूं, तो आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पीडीएफ की जानकारी, और अब आप जो है कि थोड़ी देर बाद, मतलब 15 मिनट के बाद आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं, इजीली आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज मिल जाएगा, सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा। और हमारे चैनल का एक टारगेट है जो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको किसी भी तरीके से अब आप लोगों के हाथ में कि 50,000 प्लस सब्सक्राइबर तक लेके चलिए। हमारी फैमिली 32,000 सब्सक्राइबर की हो चुकी है, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो ये 50,000 प्लस भी आसानी से यूं ही 1-2 महीने में पार कर लिया जाएगा। तो इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं, और सारी सूचना आपको मैंने दे दी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।